सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। लोअर बैक पेन को क्योर करने के लिए कौन कौन से योगासन कर सकते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्रा जो बैक से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। लोअर बैक पेन के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। किसी का लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से हो सकता है, कोई ठीक पोजिशन में नहीं बैठता है, कभी कभी वेट ज्यादा उठाने से आपका कोई काम ऐसा है कि वजन उठाना पड़ता है, या जिम में आपने जरूरत से ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर लिया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं लोअर बैक पेन के। तो अगर आपको लोअर बैक पेन रहता है तो ये आसन की प्रैक्टिस कीजिए और जो मुद्रा बताऊंगी उस मुद्रा की प्रैक्टिस कीजिए, तो निश्चित तौर पर ही आपको बैक पेन को क्योर करने में हेल्प मिलेगी। और स्पाइन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होगी, स्लिप डिस्क है या बल्ज डिस्क है, इस तरीके की कोई हर्निएटेड डिस्क है, इन सब में भी ये आसन और मुद्रा आपको मदद करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखते हैं अपना पहला आसन। पहला आसन है हमारा कैट काउ पोज, मर्जरी आसना या मर्जरी आसना एंड बिटले आसना। कैसे करेंगे करने के लिए, वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन से जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल टॉप पोजीशन, अपने दोनों पैरों के बीच में कंधों जितना फासला कर लीजिए और जो हाथ है आपके, जो रिस्ट है वो आपके शोल्डर के नीचे रहेगी। फिंगर्स बिल्कुल ओपन करके रखिए और पैर इस तरीके से नहीं रखने, टो बिल्कुल फ्लैट रखिएगा। एडजस्ट कर लिया बॉडी पोजीशन, कमर सीधी, बिल्कुल इनहेल करते हुए लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश करेंगे और आपको ऊपर की तरफ देखना है। एक्सेल, हंच बनाएं अपर बैक का और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करें। इनहेल, लुक अप, बैली नीचे की तरफ और आपको ये बिल्कुल स्लो मूवमेंट करने हैं। एक्सेल, चिन को चेस्ट से मिलाएं, बैली देखने की कोशिश करें, कमर का हंच बनाएं। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, ये हमने तीन राउंड किए हैं। इस तरीके से आपको 10 times करना है एक सेट में और इसके आप 3 sets करें और बिल्कुल स्लो मूवमेंट करना है, फास्ट नहीं करना। सेकंड आसन है हमारा सलंब भुजंगासन। कैसे करेंगे उसके लिए, पेट के बल लेट जाएं इस तरीके से और जो अपने हाथ हैं उन्हें अपनी चेस्ट की बगल में रख दें और फिर यहाँ पे एल्बो को प्रेस, एल्बो रख दें बिल्कुल चेस्ट की बगल में। पैरों को मिला के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा उनके बीच में कंधों जितना फासला कर लीजिए, टो बिल्कुल फ्लैट रहेंगे मैट पे और इनहेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है। अब अपने हाथों की पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। क्या ध्यान देना है, जो आपकी एल्बो है वो बिल्कुल शोल्डर के नीचे रहे, फिंगर्स को ओपन करके रखिए और आप या तो सामने देखें या ऊपर की तरफ देखें। इस पोजीशन में आप रुके 5 seconds कम से कम होल्ड करें और एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएं। एक बार और करेंगे, इनहेल, लुक अप या फिर सामने की तरफ देखें, 5, 10, 15, 20 seconds जितना आप कर सकते हैं, 30 seconds तक इसको आराम से होल्ड करें और एक्सेल करते हुए वापस आ जाएं। ये है सलम भुजंगासन का अभ्यास। इसके बाद मरकटासन में रिलैक्स कर ले, टो बाहर की तरफ, हील अंदर की तरफ, हाथ एक दूसरे के ऊपर रख के अपने फोरहेड के नीचे, ये भी आपको बैक को रिलैक्स करने में काफी हेल्प करता है। मकरासन। तीसरा आसन है हमारा सुप्त कपोतासन। कैसे करेंगे, राइट लेग को नी से फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई पे रख दीजिए, फिर अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए अपनी राइट थाई के आसपास इसको रैप कीजिए और टो को सीधा रखिए और अपनी तरफ खींचिए। अपनी जो राइट थाई है अपने हाथों से इंटरलॉक किया, उसे अपनी तरफ खींचिए। हिप्स पे, लोअर बैक पे काफी अच्छा खिंचाव मिलेगा आपको
लोअर बैक को क्योर करने में काफी हेल्प करता है ये आसन, सुप्त कपोत आसन। रिलीज कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरी साइड भी रिपीट कर ले इसको। लेफ्ट नी को बेंड किया, राइट को लेफ्ट थाई पे रखा, थोड़ा अपनी तरफ लाए, हाथों को इस तरीके से रैप किया और फिर अपनी तरफ खींचे। इसको होल्ड करें 5, 10, 15, 20, 30 सेकंड जितना आप कर सकते हैं। आपको थाइज पे, हिप्स पे काफी अच्छा खिंचाव मिलेगा और लोअर बैक की जो भी प्रॉब्लम है आपको, वो ये हेल्प करेगा सोल्व करने में, हिप्स को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा। रिलीज कर दे। ये हो गया सुप्त कपोतासन का अभ्यास। 3 आसन कर लिए हमने, अब करेंगे मुद्रा की प्रैक्टिस, मेरुदंड मुद्रा। स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक का पेन है या फिर हर्निएटेड डिस्क है, डिस्क बल्ज है, स्लिप डिस्क है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है स्पाइन से रिलेटेड, उन सब में ये मुद्रा काम करती है। आमतौर पर सारी मुद्राएं दोनों हाथों से एक बनती है, लेकिन ये मुद्रा दोनों हाथों से अलग अलग बनेगी। राइट हैंड से कैसे बनाएंगे? अल्टरनेट फिंगर हमें अपनी लेनी है, थंब के टिप से मिडिल फिंगर का टिप, स्मॉल फिंगर का टिप और बाकी की दोनों फिंगर सीधी। थंब, मिडिल और स्मॉल फिंगर के टिप को टच कर देना है और बाकी की दो फिंगर सीधी रखनी है और इसको रख दें अपने नीज पर, हाथ आसमान की तरफ करके। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से आपको क्या करना है, जो थंब जॉइंट है हमारा ये वाला, उसके पास अपने इंडेक्स फिंगर के नेल को रख देना है और थंब को ऊपर से सॉफ्टली रैप कर दे और इसको भी अपने नी पे रख दे ऊपर की तरफ करते हुए। आईज क्लोज करके 10 से 15 मिनट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 21 दिन तक इसकी प्रैक्टिस डेली करें और ये आसन भी करें, निश्चित ही आपको लोअर बैक पेन को क्योर करने में बिल्कुल हेल्प करेगी। मुद्रा की प्रैक्टिस के टाइम आप मेडिटेशन के टाइम भी कर सकते हैं या कहीं भी शांत बैठ के आप नॉर्मल सांसें ले सकते हैं, या कोई मंत्र आपको पसंद हो, ओम चैंट करना चाहे वो आप चैंट करने के साथ कर सकते हैं। तो ये हो गई है हमारे 3 आसन और 1 मुद्रा लोअर बैक पेन को क्योर करने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर